अब उल्टी नहीं करना, मैंने गाड़ी बहुत मुश्किल से धोई है। गाड़ी धो ली है, अब उल्टी कोई नहीं करे। जो उल्टी करे 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा उसको, याद करना। 500 रुपया फाइन लगेगा। बहुत मुश्किल से दिलाई है गाड़ी। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, ठीक है नहीं। कोई भी कमेंट करता है किसी भी पोर्टल पे, किसी भी फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, कोई भी है भाई, कमेंट जब भी करना है देख सुन के करना है भाई। गलत कमेंट नहीं करना है किसी को। किसी को अगर कमेंट कोई आगे वाला पढ़ेगा भी, जिसको बंदा कमेंट करेगा, तो वो जब पढ़ेगा भी तो उसको भी जहन में आना चाहिए भाई, नहीं बंदे ने वाकई अच्छा कमेंट किया है। तो भाई इसलिए उस बंदे ने इतना खतरनाक, इतना गंदा कमेंट किया था ना, मैं क्या बोलूँ यार, अल्फाज बोलने अच्छे नहीं रहेंगे वो। तो भाई इतना गंदा कमेंट, फिर मैंने उसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी। तो उसके बाद उसका जो कमेंट था वो भी मैंने डिलीट कर दिया, उसी टाइम देखते ही मैंने डिलीट कर दिया भाई। अच्छा नहीं लगता यार किसी, मतलब इतना गंदा कमेंट किया था माँ के बारे में, यार क्या बोलूँ अब। तो बाकी भाई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। उस आईडी पे ना कोई प्रोफाइल भी नहीं थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, और आपकी दुआओं के साथ हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम फिर शिवखोड़ी आए हैं, शिवखोड़ी मान लो, शिवखोड़ी वापस कटरा ही जाना है हमें। तो कल हम कहीं भी नहीं गए थे, कहीं की सवारी नहीं मिली, कल हम कटरा में ही थे। तो आज हम शिवखोड़ी आ गए थे 9:30 बजे के करीब, वहाँ से निकले थे। फिर रास्ते में इनको खाना शाना ब्रेकफास्ट जो भी करवाना था वो करवा के, तो फिर आए थे हम यहाँ पे, पहुँच गए थे 2:00 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच गए थे। तो फिर उनको यहाँ से छोड़ा था, तो वो निकल गए थे दर्शन करने के लिए। तो उनको मैंने टाइमिंग दे दी थी, मैंने बोला था कि आप थोड़ा जल्दी कर लेना क्योंकि 5:30-6 बजे तक पहुँच जाना। तो अभी तो यहाँ पर पहुँचे नहीं है भाई। तो उसके बाद जब वो निकल गए, उसके बाद हमने फिर अपने यूनिफॉर्म जो वगैरह थी वो भी धो धा के नहा धो के फ्रेश होके, फिर गाड़ी में थे। दोस्त एक आया हुआ था, तो उस वो भी शिवखोड़ी आया है, दूसरी गाड़ी है उनकी, टेम्पो, उनका भी टेम्पो ट्रैवलर ही है 14 सीटर। तो भाई वो भी बैठे थे, फिर वहीं चाय शाय पी हमने, चाय शाय पीने के बाद, उसके बाद आते ही हमने पहला नंबर तो गाड़ी को ग्रीस करवाई थी। तो ग्रीस करवाने के बाद तो अभी हम शिवखोड़ी में ही है भाई। तो कस्टमर लोग जो आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधा कटरा के लिए। तो बाकी जो भी रहेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो बाकी अभी कस्टमर तो पहुंचा नहीं है, क्या पता कि इस टाइम क्या पहुंचे। तो भाई एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूं। तो एक भाई ने कल हमारी फेसबुक अननोन नंबर आईडी थी, वो आईडी लॉक आईडी थी, उसको हमने खोलने की कोशिश भी नहीं खुली, लॉक आईडी थी। तो उसने भाई कमेंट इतना गंदा कमेंट किया था, फिर मैंने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया उस वीडियो से। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अगर कोई भी वीडियो डालता है मेरे अलावा, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस पे अच्छे कमेंट करो या नहीं करो, वो बात नहीं है, मगर अगर कोई भी वीडियो डालता है सोच समझ के। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, ठीक है नहीं। कोई भी कमेंट करता है किसी भी पोर्टल पे, किसी भी फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, कोई भी है भाई, कमेंट जब भी करना है देख सुन के करना है भाई। गलत कमेंट नहीं करना है किसी को। किसी को अगर कमेंट कोई आगे वाला पढ़ेगा भी, जिसको बंदा कमेंट करेगा, तो वो जब पढ़ेगा भी तो उसको भी जहन में आना चाहिए भाई, नहीं बंदे ने वाकई अच्छा कमेंट किया है। तो भाई इसलिए उस बंदे ने इतना गंदा कमेंट किया था ना, मैं क्या बोलूँ यार, अल्फाज बोलने अच्छे नहीं रहेंगे वो। तो भाई इतना गंदा कमेंट, फिर मैंने उसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी। तो उसके बाद उसका जो कमेंट था वो भी मैंने डिलीट कर दिया, उसी टाइम देखते ही मैंने डिलीट कर दिया भाई। अच्छा नहीं लगता यार किसी, मतलब इतना गंदा कमेंट किया था माँ के बारे में, यार क्या बोलूँ अब। तो बाकी भाई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। उस आईडी पे ना कोई प्रोफाइल भी नहीं थी। मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है मेरी मैसेंजर में आईडी हो, वो आईडी निकाल के उसका फ़ोटो भी आपको दिखाऊँगा ज़रूर भाई, ये इस नाम से आईडी। अगर किसी भी भाई को इस आईडी से कमेंट या मैसेज कुछ भी आता है तो भाई इसको ब्लॉक कर दो, ये बहुत गंदे कमेंट करते हैं भाई लोग। तो बाकी मैं आपको वो आईडी दिखा। तो भाई अभी निकलते हैं हम यहाँ से, हमारा कस्टमर आ गया, कस्टमर का फ़ोन आ गया है। तो अभी निकलते हैं हम सीधा कस्टमर के पास भाई, कस्टमर को बिठा के तो वहाँ से निकल जाएंगे फिर। तो अभी निकल चुके हैं भाई हम ग्राउंड में से, गाड़ी हमने स्टार्ट पहले ही करके रखी हुई थी, अब निकल रही है यहाँ से। तो राखी भाई की गाड़ी वो लगी है सामने, उनकी उनका कस्टमर जो अभी आया नहीं होगा, जब आएगा वो भी आ जाएंगे भाई। अभी निकलते हैं सीधा कस्टमर के पास, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना है। तो भाई रास्ते की ना बहुत ही बुरी कंडीशन है रास्ते की भाई, कटरा से लेके शिवपुरी तक बीच में है थोड़ा, मगर नहीं, बाकी बहुत ही गंदा रास्ता भाई। एक दो नंबर लगा के चलना पड़ता है, क्या करें अब।
अब उल्टी नहीं करना, मैंने गाड़ी बहुत मुश्किल से धोई है। गाड़ी धो ली या उल्टी कोई नहीं करे, जो उल्टी करे 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा उसको, याद करना। 500 रुपया फाइन लगेगा। बहुत मुश्किल से दिलाई है गाड़ी। हाँ बेटा, बुला उनको, बोलो आ जाओ, चाचा ते पापा ना आए कहा थे, आगे सब लोग चले। रोज आते हैं वहाँ पे, रोड की ये हालात है।